हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और संगीता किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सेव टमाटर की चटनी। देखिए इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब चटनी बन जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए देखते हैं कैसा बनाना है। ये मैंने टमाटर अच्छे से वॉश करके लिया है, देखिए बिल्कुल फ्रेश टमाटर है। तो आपको जितना टमाटर की चटनी बनाना है, आधा केजी या 250 ग्राम इतना, तो इस हिसाब से आप टमाटर ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छा काट के लिया है। तो इसके अंदर के जो बीज है वो बीज पूरे के पूरे निकालना है। तो ये मैंने छोटा प्याज लिया है काट के, ये लहसुन है और हरा धनिया, कड़ी पत्ता, इस तरह से जो प्याज है छोटा छोटा कट करके लिया है। देखिए लहसुन भी ये छील का उतार के उसको कट कर दिया है। तो ये मैंने कढ़ाई रख के उसके अंदर तेल डाला। तेल अच्छे से गर्म होने बाद उसके अंदर जीरा राई डालना है। उसके बाद जो प्याज है प्याज भी मैंने डाल दिया इस तरह से। देखिए अपना प्याज अच्छे से फ्राई करना है ये ऑयल के अंदर, कम से कम 4 या 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। उसके बाद जो अपना कड़ी पत्ता था ये कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया। अभी जो लहसुन था लहसुन भी मैंने डाल दिया। तो ये कड़ी पत्ता और लहसुन डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से मिक्स करना है, पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक जो अपना प्याज और लहसुन है इसको अच्छे से इस तरह से फ्राई करना है। देखिए कितना मस्त लग रहा है, इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो आप ये चटनी जो बनाना है बहुत ईजी और आसान है। तो ये मैंने 2 हरी मिर्च कट करके डाला है इस तरह से। देखिए अपना जो प्याज था पूरा के पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है इस तरह से। तो अपने पास जो बारीक कटा हुआ टमाटर था ये टमाटर भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये जो टमाटर को और जो प्याज है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो ऑयल के अंदर, इस तरह से मिक्स करते ही रहना है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। उसके बाद अपन इसके अंदर हल्दी नमक ऐड करेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाला है। और जो अपन मसाला डालते हैं बिल्कुल घर का ही डालना है, बाजार का नहीं डालना है। जो अपने घर में हर सब्जी में यूज करते हैं वही मसाला डालना है, कोई खरीदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो अपने पास नमक है नमक भी मैंने ऐड किया है इस तरह से। चलिए तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे के पूरे मिक्स हो गए। देखिए तो इसके अंदर अभी 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो अपना टमाटर है चटनी के लिए अच्छे से पकना चाहिए। तो इसको कम कम से कम 5 मिनट तक रखना ही है। इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए। देखिए अपने 5 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से अपना जो टमाटर था पूरा गल चुका है। तो ये जो बर्तन है तो इस बर्तन से इसको पूरा ग्राइंड करना है इस तरह से। जो अपना टमाटर है पूरा पक चुका है, इसके लिए ये जल्दी जल्दी बिल्कुल देखिए ये हो गया ना टमाटर, एक बिल्कुल बारीक बिल्कुल गाढ़ा और पतला हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में ही, इतना अच्छा लग रहा है। तो इसके टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। तो ये अपना चटनी पूरी रेडी हो गई। इसके ऊपर जो धनिया है धनिया डाल देंगे। देखिए ये हुई ना बात, तो कितना अच्छा और कितना मस्त लग रहा है। तो चलिए ये मैंने इस बर्तन के अंदर निकाल दिया है। तो इसके अंदर अपने पास जो सेव थी बारीक सेव लेना है इस तरह से। सेव इसके ऊपर डाल के उसको रोटी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये खाने के लिए। देखिए जब भी मेहमान आएंगे ना तभी जरूर ये डिश आप ट्राई करिए।
और ये बनाना भी बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज़्यादा कोई इसको सामान खरीदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो घर में तो अपने हर घर में टमाटर तो रहते ही है, मसाला हल्दी भी सब रहती है, तो वही चीज़ें अपनों इस्तेमाल करके ये डिश अपन को बनाना है। देखिए ये पूरी की पूरी सेव टमाटर की चटनी है, बहुत ही अच्छी बन जाती है, तो आप भी ट्राई करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये बनाना भी बहुत इजी है, बहुत आसान पड़ जाता है बनाना। चलिए तो इस तरह से अपने टमाटर की चटनी अच्छे से रेडी हो गई। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है।